हेलो एवरीबॉडी, हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर एग्रीकल्चर कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखो, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, जहाँ से एल्कोहल फिनोल ईथर को मैं डिस्कस किया था, उसके नामकरण नोमेनक्लेचर की बात की थी, उसके कॉमन नेम हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, उसका IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है, ठीक है। फिर हमने एल्कोहल के बारे में पढ़ा था कि एल्कोहल क्या है, फिनोल क्या है, उसके बाद में ईथर क्या है, ठीक है, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। आज हम पहला मैं पॉइंट लेके चलता हूँ यहाँ से, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण की हम बात करेंगे एल्कोहल फिनोल और ईथर की। एल्कोहल की मैं बात करूँ, यहाँ से CH3 या ऑक्सीजन, यहाँ पे OH, इसको बोलते हैं एल्कोहल। फिनोल की हम बात करें तो यहाँ पे ये बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के साथ में मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ OH, ये फिनोल। ईथर की हम बात करें तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा के मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ R2, इसको हम बोलेंगे ईथर के। अब देखो, ऑक्सीजन दोनों को बना रहा है बॉन्ड, ठीक है, और दो ऑक्सीजन के पास में होते हैं लॉन्ग पेयर, ऐसे मैंने इस लॉन्ग पेयर को रिप्रेजेंट किया। इसी टाइप से यहाँ पे इस फिनोल वाले ऑक्सीजन के पास में भी दो लॉन्ग पेयर होंगे, ईथर वाले ऑक्सीजन के पास में भी ऐसे दो लॉन्ग पेयर मैंने बना दिया। अब देखो, पहली बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देखो ये लॉन्ग पेयर, ये लॉन्ग पेयर है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में। और जैसे रिपल्सन है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकने का काम करेंगे, ठीक है। अब देखो, याद रखना, सबसे ज्यादा जो रिपल्सन है वो रिपल्सन होता है लॉन्ग पेयर एंड लॉन्ग पेयर के बीच में, उससे कम जो रिपल्सन होता है वो लॉन्ग पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में, ठीक है। और यदि सबसे कम रिपल्सन की बात करूं तो वो होता है बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में। लॉन पेयर का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने के अंदर पार्टिसिपेट नहीं ले रहे, उनको हम क्या बोलते हैं, लॉन पेयर कहेंगे, ठीक है। अब देखो, एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल में यहाँ पे होता क्या है, ये लॉन पेयर और इस लॉन पेयर के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होगा, क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन एक बात याद रखना, इस एल्कोहल के अंदर जो लॉन पेयर है, ये जो रिपल्सन है, ये क्या होता है, मोर इफेक्टिव होगा, क्या होगा, मोर इफेक्टिव होगा, ज्यादा प्रभावी होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे ज्यादा प्रभावी है, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा। और याद रखना, यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन एक बात ये भी सोचो, देखो यहाँ पे पहले एक बात याद रखना कि इस ऑक्सीजन के पास में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। देखो, दो तो यहाँ पे है बॉन्ड पे, दो है यहाँ पे लॉन पेयर, दो है और दो ही यहाँ पे क्या हो गया, लॉन पेयर। इसका मतलब चार बने, चार का मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3। तो देखो, एल्कोहल के पास में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो दो तो है बॉन्ड पेयर, दो यहाँ पे क्या है लॉन पेयर, तो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3। इस ईथर की बात करो तो दो लॉन पेयर, दो यहाँ पे क्या हो गया, बॉन्ड पेयर हो गया, तो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3 टाइप का हो गया। अब देखो, एक बात याद रखा, sp3 है, इसका मतलब इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109°28' होना चाहिए, कितना है, 109°28' होना चाहिए। लेकिन आप एल्कोहल के अंदर देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि जो मोर इफेक्टिव होता है वो कौन सा होता है, लॉन पेयर एंड लॉन पेयर के बीच का रिपल्सन है। अब देखो, जैसे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये बॉन्ड एंगल, ये दोनों जो होते हैं ग्रुप, या क्या है, ये पास पास आएंगे, और जैसे पास पास आएंगे इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, इसका मतलब 109°28' यहाँ पे आएगा क्या, नहीं, इसका मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड आ गया वो अप्रोक्सीमेट आता है 108°, समथिंग कितना रहे, 108° के समथिंग। आगे और भी लिखना चाहो तो 108°9' के समथिंग आता है, किसके अंदर, एल्कोहल के अंदर। अब देखो, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ फिनोल के अंदर, यहाँ पे भी इस ऑक्सीडेशन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3, और जब sp3 है तो यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109°28' होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे कि
इसीलिए वापस से यहाँ पे क्या है लॉन पेयर और लॉन पेयर के बीच में क्या है रिपल्सन है, और जब रिपल्सन है तो ये एक दूसरे को ये इधर रिपेल करेगा ये इधर रिपेल करेगा, दोनों को एक दूसरे को क्या करेगा दूर दूर फेंकेगा काम करेंगे। अब जैसे दूर दूर फेंकेगा तो इन दोनों के बीच में भी रिपल्सन आएगा, ये इधर रिपल्सन आएगा ये इधर रिपल्सन है ठीक है, ये इधर रिपल्सन है और एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे ठीक है। लेकिन याद रखना यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल भी 109°28' से क्या हुआ थोड़ा कम आ जाता है, लेकिन एल्कोल के कंपैरिजन में यहाँ पे क्या होता है इससे थोड़ा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये रिंग है और इस रिंग की वजह से यहाँ पे क्या होता है स्टेरिक हाइंड्रेंस आता है, क्या होगा स्टेरिक हाइंड्रेंस जिसको हम बोलते हैं प्रीविंग बाधा, क्या कहेंगे प्रीविंग बाधा कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो बेंजीन रिंग है ये बेंजीन यहाँ पे क्या है कि बल्की ग्रुप है, क्या है कि बल्की ग्रुप है, भारी ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो बॉन्ड एंगल है वो अप्रोक्सीमेट आता है 109° के समथिंग, कितना है 109° के समथिंग। क्यों? क्योंकि वो इसलिए है यहाँ पे देखो लॉन पेयर के बीच में रिपल्सन तो है लेकिन यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है ये बेंजीन रिंग ये किया है बल्कि ग्रुप के रूप में काम करता है, जिस वजह से यहाँ पे थोड़ा जो इफेक्टिव है वो इफेक्टिव यहाँ पे कौन है त्रिविंग बाधा है स्ट्रेट हाइंड्रेंस है, इस वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो 109° आता है जो एल्कोल के कंपेरिजन में थोड़ा सा क्या हल्का सा क्या है ज्यादा यहाँ पे ठीक है। उसके बाद देखो मैं इथर की बात करूँ, इस इथर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ से ये इथर हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में फिर से दो लोन पे। अब देखो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है sp3 है, दो बॉन्ड पेयर है दो लॉन्ड पेयर मतलब 4-4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे ये कौन सा हो गया sp3 हो गया। अब देखो इस साइड में एक तो बल्कि ग्रुप ये हो गया और एक बल्कि ग्रुप ये मेथिल हो गया। अब यहाँ पे देखो ये दोनों रिपल्सन तो करेंगे लॉन पेयर, लेकिन याद रखना यहाँ पे ये जो बल्कि ग्रुप है ये बल्कि ग्रुप में भी यहाँ पे क्या होगा रिपल्सन होगा, क्या होगा रिपल्सन होगा। लेकिन याद रखना ये जो बल्कि ग्रुप के अंदर जो रिपल्सन ये क्या होता है मोर इफेक्टिव होगा, ज्यादा प्रभावी, क्या है ज्यादा प्रभावी। अब जैसे ज्यादा प्रभावी ये एक दूसरे को वापस से रिपेल करेंगे और जब रिपेल करेंगे तो यहाँ पे देखो ये ग्रुप इधर जाएगा ये ग्रुप इधर जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब आना तो कितना चाहिए 109°28' आना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, लेकिन यहाँ पे दोनों बल्कि ग्रुप के अंदर ज्यादा रिपल्सन होने की वजह से या मोर इफेक्टिव होने की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो अप्रोक्सीमेटली आता है 111, कितना है 111°। ठीक है, तो आपको यदि बॉन्ड एंगल के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो सबसे ज्यादा किस में है ईथर में, उससे कम किस में है फिनॉल में, और यदि उससे कम पूछा जाए तो किस में है एल्कोल के अंदर है। इथर में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे है ड्यू टू रिपल्सन ड्यू टू मोर इफेक्टिव बल्कि ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे क्या है बल्कि ग्रुप है भारी ग्रुप है जो कि क्या आता है मोर इफेक्टिव, और जिस वजह से बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है 111°। फिर देखो यहाँ पे फिनोल की बात की जाए तो फिनोल के अंदर ज्यादा जो इफेक्टिव है स्टेरिक हाइंड्रेंस ज्यादा इफेक्टिव है, इस वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है इथर के कंपैरिजन में तो कम है लेकिन एल्कोल के कंपैरिजन में क्या है थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा, वो कितना है 109°। यहाँ पे और यही बात करूं मैं किसकी एल्कोल की बात करूं तो एल्कोल के अंदर ज्यादा जो इफेक्टिव है वो इफेक्टिव कौन है लॉन पेयर रिपल्सन है, जिस वजह से एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे और ये बॉन्ड एंगल यहाँ पे क्या होता है डिक्रीज हो जाएगा, क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। तो ये देखो इस साइड में एक तो बल्कि ग्रुप है एक यहाँ पे क्या है कि स्मॉल ग्रुप है, इसमें देखो यहाँ पे बल्कि ग्रुप है जिस वजह से यहाँ पे क्या है स्टेरिक हाइंड्रेंस ज्यादा आ गया ठीक है, और यहाँ पे ईथर में देखोगे तो दोनों साइड में यहाँ पे क्या है बल्कि ग्रुप है जो कि क्या होते हैं मोर इफेक्टिव हुआ। तो हमने पहले किसकी बात की थी बॉन्ड एंगल को डिस्कस किया, अब देखो नेक्स्ट में एक बात करता हूँ यहाँ से आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसकी बात करिए बॉन्ड स्ट्रेंथ की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्कोल और फिनोल की यदि दोनों की आप कंपैरिजन किया जाए तो कंपैरिजन के आधार पे ज्यादा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कौन सी ग्रुप की होती है, ठीक है
तो याद रखना वो होती है फिनोल प्रॉपर्टी, क्यों वो हम देखते हैं यहाँ से डिस्कस करने से। देखो ये तो है हमारे पास में एल्कोहल, ठीक है, और यहाँ पे मैं लगा दूँ फिनोल, ये फिनोल हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया इसके साथ में OH को। अब देखो ऑक्सीजन के पास में क्या है, लॉन पेयर है, और जब ये लॉन पेयर तो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये रिंग की तरफ क्या करेगा, फेंकने का काम करेगा। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है, प्लस आर, कौन सा है, प्लस आर, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, रेजोनेंस बनेगा, क्या बनेगा, रेजोनेंस बनेगा। अब देखो जैसे रेजोनेंस बनेगा इस बेंजीन वाले रिंग के साथ में और ऑक्सीजन के साथ में कौन सा बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड बना, क्या बना, डबल बॉन्ड बना। अब देखो इस डबल बॉन्ड की वजह से, ठीक है, ड्यू टू डबल बॉन्ड करैक्टर, डबल बॉन्ड करैक्टर, ठीक है, इस डबल बॉन्ड करैक्टर की वजह से, ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ना क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट है, कंपेरिजन किसके, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन या इस ऑक्सीजन और कार्बन वाले ग्रुप के बीच में, ठीक है, क्यों, क्योंकि याद रखना यहाँ पे क्या आता है, ड्यू टू रेजोनेंस अनुनाद की वजह से यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, डबल बॉन्ड करैक्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। इस वजह से यदि आपसे पूछा जाए कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी है, तो याद रखना बॉन्ड स्ट्रेंथ फिनोल की ज्यादा होती है कंपेरिजन किसके, एल्कोहल, किसकी होगी, एल्कोहल के, ठीक है। अब देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ में यदि आपसे पूछा जाए कि बॉन्ड लेंथ की बात करूं, तो याद रखना जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, बॉन्ड लेंथ के, बंधे लंबाई के। बॉन्ड स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं बंध सामर्थ्य, क्या कहेंगे, बंध सामर्थ्य कहेंगे। अब देखो ये जिसका ज्यादा है इसका मतलब बॉन्ड लेंथ है उसकी क्या होगी, कम होगी, ठीक है, मतलब ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा, ये एक दूसरे के दुश्मन है यहाँ पे, ठीक है, मतलब BL ज्यादा है इसका मतलब वहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, और जहां पे बॉन्ड लेंथ कम है तो वहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। आप जैसे देखोगे तो जो एल्कोहल की बात को, एल्कोहल की लगभग जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 136 पिकोमीटर के समथिंग, कितनी है, 136, और यदि आप एल्कोहल की बात को, एल्कोहल की लगभग होती है 142 पिकोमीटर, कितनी है, 142 पिकोमीटर। तो आप खुद देख लो बॉन्ड लेंथ के अंदर फिनोल है वो कम होगा कंपेरिजन किसके, एल्कोहल के, किसकी होगी, एल्कोहल के। तो हमने पहले बॉन्ड एंगल की बात की थी, दूसरा मैंने बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की थी, थर्ड मैंने बात किसकी की है, बॉन्ड लेंथ की बात की। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रिपल्सन होंगे, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एक दूसरे के दुश्मन है, यदि यह बढ़ेगा तो ये घटेगा और यदि यह घटेगा तो वहाँ पर क्या हो जाता है, BS क्या हुआ, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी है, फिनोल की, क्यों, वो इस वजह से यहाँ पे रेजोनेंस होगा, इस रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन और यहाँ पे रिंग के बीच में क्या जाते हैं, डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, जिसको तोड़ने क्या होता है, ज्यादा डिफिकल्ट होगा एज कंपेरिजन है सिंगल बॉन्ड के। फिर यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की बात करो तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे ज्यादा किसकी होती है, एल्कोहल, कंपेरिजन किसके, फिनोल के। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किसको किया है, फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। अब देखो नेक्स्ट हम लेके चलता हूँ यहाँ पे आपको एल्कोहल बनाने की मेथड्स के, पहले अपन एल्कोहल बनाने की मेथड्स पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे जेड एग्जाम के अंदर देखो, चाहे BHU के अंदर देखो, चाहे फिर ICAR के अंदर देखो, या तो नेमिंग रिएक्शन आती है यहाँ से, या फिर जो अपने सिक्वेंस वाली रिएक्शन आती है वो यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे पहले प्रिपरेशन मेथड ऑफ, प्रिपरेशन मेथड ऑफ, मेथड ऑफ, मेथड्स ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल बनाने की विधियां, ठीक है, और इसके अंदर मैं पहली जो पढ़ाऊंगा वो है बाई एल्किल हैलाइड्स। किससे बना रहे हो आप, एल्किल हैलाइड्स से आप किसका फॉर्मेशन कर रहे हो, एल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे हो। तो आप देखो यहाँ पे ये R, इसके साथ में मैंने X जोड़ दिया, ठीक है, R का मतलब क्या हो गया, एल्किल, जहाँ पे मैथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल कुछ भी ग्रुप हो सकता है। X का मतलब यहाँ पे क्या है, हैलाइड्स है, जहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है,
इसको देखो आपको कन्वर्ट किसके अंदर करना है, एल्कोहल। हमको फॉर्मेशन किसका करना है, एल्कोहल का फॉर्मेशन करना है, कहां से, एल्किल हैलाइड से एल्कोहल के। तो देखो ये कैसे होगा, ये क्या होगा एल्कोहल, कैसे होगा ये रिएक्शन, देखो या तो मैं यूज कर लो एक्वस क्योज, किसका यूज करूं मैं, एक्वस क्योज का, एक्वस का मतलब जलीय क्योज, ठीक है। अब देखो जलीय क्योज जब भी आता है इसका मतलब यहाँ पे ये वर्क किसके रूप में करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल के रूप में, किसके रूप में काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करेगा। अब देखो न्यूक्लियोफाइल, अब देखो ये हैलाइड्स होते हैं, ये हैलाइड्स आते हैं सबस्ट्रेट वर्क के अंदर, किसमें आते हैं सबस्ट्रेट वर्क के अंदर, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है ज्यादा, क्या होगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब है कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना वो क्या कहलाती है, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहलाती है। अब देखो यहाँ पे ज्यादा किसकी है, हैलोजन्स की है, इसका मतलब ये जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ खींचेगा, और जैसे अपनी तरफ खींचेगा इससे आर ग्रुप के पास में तो आता है पार्शियल पॉजिटिव, और इसे हैलाइड्स के पास में कौन सा आता है पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। अब देखो एक्वस क्योज के अंदर यहाँ पे के तो होता है पॉजिटिव और ओएच होता है नेगेटिव, के पॉजिटिव ओएच नेगेटिव। अब देखो ये ओएच नेगेटिव है, इसको नेगेटिव को चाहिए क्या, पॉजिटिव चाहिए, तो ये किसके साथ में जुड़ जाएगा, इस आर के साथ में जुड़ जाता है, और यहाँ से एक्स क्या हो जाता है भारे एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो गया आर ओएच का, ठीक है। अब एक बात सोचो कि यहाँ पे हैलाइड्स क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब ये काम किसकी तरह करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल के रूप में। फिर मैंने एक बात बोली कि एक्वस क्योज जब भी आता है तो इसका मतलब ये भी काम किसके रूप में करता है, एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करेगा, और जब न्यूक्लियोफाइल है किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को उसकी जगह से हटा देना, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसे, जिसको हम बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्या कहेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल है वो किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है, उसकी जगह से हटा देना, वो क्या कहलाता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहलाता है। अब एक बात ये और सोचो, जो एसन रिएक्शन है ये दो टाइप के होती है, एक तो होती है एसन वन होती है, एक होती है एसन टू, एसन वन और एसन टू, जिसको हम ज्यादा डिटेल में जो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा उसके अंदर वो डिटेल में लेके चलूंगा। देखो एसन वन का मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं, वन का मतलब है यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर जिसका मतलब इसकी मोलिकुलरिटी या फिर ऑर्डर है वो कितना है, एक है। उसके बाद इसका मतलब एन का मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, एस का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन, तो इसका मतलब नाम क्या हो गया इसका, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। एसएन2 का मतलब क्या है, या पे 2 का मतलब है दो, और जिसको हम बोल देंगे बाईमोलिकुलर, जिसकी मोलिकुलरिटी कितनी है, दो है, या फिर जो ऑर्डर है वो भी कितना है, दो। एन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन, इसको हम क्या बोलेंगे, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये होगा क्या, यदि मैं हैलाइड्स की बात करूँ, देखो यदि आपसे पूछा जाए 3 डिग्री हैलाइड्स, इसकी बात करूँ मैं 3 डिग्री हैलाइड्स, तो 3 डिग्री हैलाइड्स के अंदर याद रखना कौन सी रिएक्शन होती है, एसन वन होती है। यदि मैं बात करूँ किसकी, 1 डिग्री हैलाइड्स की बात करूँ, तो याद रखना वहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन कौन सी होती है, एसन टू रिएक्शन होती है, कौन सी है, एसन टू रिएक्शन है। यही बात करूँ मैं किसकी, 2 डिग्री हैलाइड्स की बात करूँ, किसके बात करूँ, 2 डिग्री हैलाइड्स, तो याद रखना 2 डिग्री हैलाइड्स के अंदर दोनों होती है, एसन वन भी होती है, एसन टू भी होती है। अब इसको कैसे डिसाइड करोगे, आप कैसे पता लगाओगे 2 डिग्री हैलाइड के अंदर वो एसन वन या फिर एसन टू है, तो याद रखना यदि एसन वन के अंदर यदि वीक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, क्या रहा है, वीक न्यूक्लियोफाइल, जैसे मैं बात करूँ एच टू या फिर मैं बात करूँ एल्कोहल की, ठीक है, यदि वीक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है इसका मतलब वहां पे जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन कौन सी होगी, एसन वन होगी। और यदि आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दे दे, ठीक है, जैसे मैं बात करूं एक्वस क्योज, एक्वस एनियोज, यदि इनकी बात की जाती है तो याद रखना वहां पे जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन कौन सी होती है, एसन टू रिएक्शन होती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि 3 डिग्री हैलाइड्स में कौन सी रिएक्शन है, तो एसन वन है,
वन डिग्री हैलाइड्स में पूछा जाए तो SN2 है, और यदि टू डिग्री की बात करें तो वहाँ पे SN1 और SN2 दोनों पॉसिबल होती है। वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि आपने रिएक्शन के अंदर वीक न्यूक्लियोफाइल लिया तो वहाँ पे कौन सी SN1 होगी, और यदि आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया तो वहाँ पे कौन सी SN2 रिएक्शन होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात और सोचना, समझना, यहाँ पे मैं एक्वस क्योच लिया है तो यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, देखो रिएजेंट के रूप में आप एक्वस क्योच भी यूज कर सकते हो, उसके साथ साथ एक्वस एनओएच भी यूज कर सकते हो, या फिर एक्वस Na2CO3 भी यूज कर सकते हो, Na2CO3 या फिर मॉइस्ट नमी वाला Ag को भी आप यूज कर सकते हो। और ये चारों फॉर्मेशन किसका करता है, तो याद रखना आप इसका एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। अब जैसे इसको मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एग्जांपल CH3CH, यहाँ पे CH3, ये Cl दे दो। ठीक है, अब देखो इसको दो टाइप से दे दिया मैंने, यहाँ पे एक्वस क्योच दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने H2 दे दिया। ठीक है, अब देखो ये हैलाइड्स कौन सा है, तो आप देखो ये हैलाइड्स इसके साथ में कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन के साथ में कितने कार्बन जुड़े हैं, दो कार्बन जुड़ा है, इसका मतलब ये हैलाइड कौन सा है, 2 डिग्री हैलाइड। अब एक्वस क्योच गया, इसका मतलब यहाँ से न्यूक्लियोफाइल Cl को यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ से बाहर निकाल देगा, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो गया, CH3CH3, यहाँ पे OH है। अब यदि आप पूछा जाए ये रिएक्शन कौन सी है, तो देखो QH है, ये किसके रूप में काम कर रहा है, एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी, यहाँ पे SN2 है। ठीक है, फिर यदि H2 है, ये काम किसके रूप में करता है, वीक न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करेगा, और यहाँ पे भी जो फॉर्मेशन हो रहा होगा किसका है, एल्कोहल का फॉर्मेशन, लेकिन ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन कौन सी होती है, SN1 रिएक्शन होती है। तो SN1 के अंदर हैलाइड्स का ऑर्डर आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा 3 डिग्री में, उससे कम 2 डिग्री में, उससे कम किसमें है, 1 डिग्री हैलाइड्स के अंदर। और यदि मैं बात करूँ किसके अंदर, SN2 के अंदर, तो SN2 में सबसे ज्यादा रिएक्शन होती है 1 डिग्री में, उससे कम 2 डिग्री में, उससे कम होती है 3 डिग्री हैलाइड्स के अंदर। ठीक है, बाकी याद रखना SN1 के अंदर कार्बोकैटायन बनता है, SN2 के अंदर कार्बोकैटायन नहीं बनता। SN1 वाली जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, और SN2 वाली रिएक्शन होती है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, 1 स्टेप में कंप्लीट होती है, साथ साथ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और साथ साथ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या होता है, बाहर निकलता है, किसके अंदर है, SN2 के अंदर। और यदि SN1 की बात की जाती है तो पहले इसमें न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा, जो पहले फॉर्मेशन किसका करेगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद में अटैक किसका होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो पहली जो रिएक्शन हमने पढ़ी वो किसकी पढ़ी है, बाई एल्किल हैलाइड से। ठीक है, दूसरी जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एल्किन से। अब एल्कोहल का फॉर्मेशन करना वो किससे करोगे, आप एल्किन से फॉर्मेशन करोगे। ठीक है, एल्किन से फॉर्मेशन, तो नेक्स्ट रिएक्शन है By L. ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्किन वाला, जो सीक्वेंस के अंदर पूछा जाता है ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे बना, इसको हम क्या बोलेंगे, एल्किन, वैसे इसको एथीन कहते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ से हम किसका एडिशन करेंगे, H2 का, किसका करेंगे, H2 का। ठीक है, आपको पता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, एक यहाँ पे कार्बन के साथ में आपको हाइड्रोजन जोड़ना है, एक कार्बन के साथ में आपको OH जोड़ना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड क्या होता है, लूजली बॉन्डेड होता है, क्या होगा, लूजली बॉन्डेड होता है, जिस वजह से ये टूटेगा, टूटने के बाद में कितने बॉन्ड बनते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, एक जगह H, एक जगह OH जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो H2 का एडिशन है ये 2 टाइप से होता है, दो टाइप से एडिशन है H2 का। ठीक है, एक तो होगा डायरेक्ट एडिशन, ठीक है, जहाँ पे H2 का डायरेक्ट एडिशन है। ठीक है, दूसरा होगा इनडायरेक्ट एडिशन, फर्स्ट डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट एडिशन की बात। देखो डायरेक्ट एडिशन के अंदर हम यूज करेंगे एसिडिक कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, कौन सी है, एसिडिक कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, और इनडायरेक्ट के अंदर हम यूज पढ़ेंगे HBO पढ़ेंगे, उसके साथ साथ ऑक्सीमर्क्यूरेशन,
ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन पढ़ेंगे। ये तो इनडायरेक्ट में पढ़ेंगे। HBO का पूरा नाम क्या है? एच का मतलब हाइड्रो, बी का मतलब क्या बोरेशन, ओ का मतलब क्या ऑक्सीडेशन है। तो ये दोनों रिएक्शन हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट के अंदर। हम पहले जो डिस्कस करेंगे वो डायरेक्ट वाली पढ़ेंगे। वो डायरेक्ट में हम पहले डिस्कस करेंगे एसिडिक कैटालाइड हाइड्रेशन की हम डिस्कस करेंगे। और याद रखा ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ पे एग्जाम्स के अंदर बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे किसकी, एसिडिक कैटालाइज्ड हाइड्रेशन की। यहाँ से फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एसिडिक कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। अब एक बात ये सोचो, देखो मैंने एल्किन लिखा है, एल्किन याद रखना दो टाइप की मैं पढ़ा के लेके चलूंगा। एक तो मैं बात करूँ सिमेट्रिकल, क्या है सिमेट्रिकल की, जिसको हम बोलेंगे सममित कहेंगे। ठीक है, एक होता है अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल जिसको हम बोलेंगे असममित कहेंगे। क्या कहेंगे? असममित कहेंगे। ठीक है, जो ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछी जाती है वो पूछी जाती है अनसिमेट्रिकल से पूछी जाती है। ठीक है, अब पहले मैंने बात किसकी की है, एसिड कैटालाइज की बात की है, तो मैं पहले यहाँ पे लेके चलूंगा सिमेट्रिकल। इसके बाद हूँ मैं सिमेट्रिकल एल्किन की बात करूँ। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, सिमेट्रिकल का मतलब समान तल का, सममित का मतलब क्या, तमाम जिसको जो एक समान आप प्लेन के अंदर दो भागों में डिवाइड कर सकते हो इक्वल पार्ट के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे सिमेट्रिकल कहेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब यहाँ पे एसिड कैटालाइज का मतलब है यहाँ पे H2O एच पॉजिटिव एसिडिक मीडियम के अंदर, और हम यहाँ पे यूज करते हैं डाइल्यूट एस्टोसोफोर। किसका यूज करते हैं? डाइल्यूट एस्टोसोफोर का यूज करते हैं, या फिर हम यूज कर सकते हैं कंसंट्रेशन एस्टोसोफोर प्लस में H2O, कंसंट्रेशन एस्टोसोफोर प्लस में H2O। तो देखो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम, ये याद रखें ये किसके अकॉर्डिंग होती है, ये MKR के अकॉर्डिंग होती है। किसके अकॉर्डिंग? MKR के अकॉर्डिंग। और MKR को हम क्या बोलते हैं? मार्कोवनिकोफ, मार्कोवनिकोफ रिएक्शन, मार्कोवनिकोफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और मार्कोवनिकोफ रिएक्शन क्या बोलता है कि जहां पे न्यूक्लियोफाइल वहां पे जुड़ता है या उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। यहां पे जुड़ेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। अब देखो यहां पे कार्बन डबल बॉन्डेड है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं दो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं दो, मतलब सिमेट्रिकल एल्किन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी आप हाइड्रोजन को जोड़ो कहीं पे भी आप OH को जोड़ो। तो यहाँ पे अपने पास में क्या बन गया CH2H, यहाँ पे CH2OH, ये फॉर्मेशन किसका हो गया एल्कोहल, किसका हो गया एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है अनसिमेट्रिकल से, कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्किन से पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये चीज याद रखना। अब देखो जैसे अनसिमेट्रिकल का मतलब आप जिसको दो इक्वल पार्ट में आप डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे मैं बात करूं ये, इसको हम बोलते हैं प्रोपीन। क्या कहेंगे? प्रोपीन। देखो ये कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्डेड है, इसके साथ में दो हाइड्रोजन जुड़े हुए, इसके साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, एक कौन सा है मेथिल ग्रुप है, तो ये कौन सा हो गया अनसिमेट्रिकल एल्किन। फिर देखो यहाँ पे आपको H2O लेना है H पॉजिटिव के प्रेजेंस के अंदर, और आपको यहाँ पे कैटालिस्ट मैंने यूज किया है H2SO4, या फिर आप यूज कर सकते हो कंसंट्रेशन H2SO4 प्लस में H2O की प्रेजेंस के अंदर। ठीक है, अब मैंने देखो ये क्या बोला है, जो एडिशन होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, वो मैंने बोला है MKR के अकॉर्डिंग बोला है, और MKR के अकॉर्डिंग मैंने बात क्या की है कि जहां पे न्यूक्लियोफाइल होता है उस कार्बन के साथ में अटैच होगा, मतलब याद रखना डबली बॉन्डिंग कार्बन, डबली बॉन्डिंग कार्बन में उस कार्बन के साथ में अटैच होगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो मिनिमम हो, उस रूल्स को हम क्या बोलेंगे मार्कोवनिकोफ रूल कहेंगे। अब देखो यहाँ पे ये H पॉजिटिव है, ये OH नेगेटिव है, देखो E पॉजिटिव जितने भी जो पॉजिटिव हो एज वर्क करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और जितने भी जो नेगेटिव होते हैं वो एज वर्क करते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब एक बात देखो यहाँ पे कि ये है एल्किन, जो देखो न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हैं एक हाइड्रोजन है, बताओ मिनिमम कहाँ पे है, इस कार्बन के पास में एक और इसके पास में दो, तो मिनिमम यहाँ पे,
तो न्यूक्लियोफाइल तो जुड़ेगा यहाँ पे और एच पॉजिटिव जुड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉर्मेशन की किसका हो गया CH3CHOH और यह CH2H, तो इसको हम यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया अकॉर्डिंग टू किसके अब देखो ये अनसिमेट्रिकल है। अब ये होता कैसे है उसकी मैं बात करूंगा तो हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म की, ये क्रिया कैसे हो सकती है। देखो एग्जाम के अंदर मैकेनिज्म बहुत रेयर पूछी जाती है, लेकिन हम ज्यादा रिएक्शन के मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास में टाइम क्या है कम है एग्जाम के लिए, ठीक है। इस वजह से जो इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म को हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तो आप याद रखना जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उससे भी हम किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं एल्कोहल का, वो हम कितने तरीके से बात की थी। तो यहाँ से मैंने देखो एक तो डायरेक्ट की बात की थी, दूसरा इनडायरेक्ट की बात की थी। अब मैं पहले इसकी मैकेनिज्म बताता हूँ, ठीक है। मैकेनिज्म क्रियाविधि क्या है, क्रियाविधि देखो एच पॉजिटिव प्लस में एच टू ये दोनों मिलकर फॉर्मेशन करते हैं H3O+ किसका है H3O+ का, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, क्या कहेंगे हाइड्रोनियम आयन कहेंगे, ठीक है। अब फिर उसके बाद देखो मैं यहाँ पे देख के चलता हूँ एल्कीन, ये है अपने पास में एल्कीन। अब एक बात खुद से सोचो, देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। यदि ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए, ठीक है, तो जैसे इसके पास आएंगे तो इसके पास में कौन सा हो गया नेगेटिव चार्ज, इसके पास में कौन सा क्या पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक पॉसिबिलिटी तो अपने पास में ये बन गई सी एच टू नेगेटिव, एक पॉसिबिलिटी तो ये है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी देखो कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास में जाए, ठीक है, और जैसे पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास में आएगा तो इस कार्बन के पास में कौन सा चार्ज हो गया नेगेटिव चार्ज और सी एच टू कौन सा गया पॉजिटिव चार्ज हो गया। लेकिन आप एक बात खुद से सोचो, देखो ये कार्बन के टाइम कौन सा है 2 डिग्री है, मतलब इस प्लस के साथ में एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे कौन सा है 2 डिग्री, इस कार्बन के साथ में देखो एक कार्बन अटैच है इसका, मतलब ये कौन सा है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब यहाँ पे देखो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, तो आपको पता है कार्बोकेटाइन में सबसे ज्यादा होता है स्टेबल 3 डिग्री, उससे कम स्टेबल होता है 2 डिग्री, उससे कम स्टेबल कौन सा है 1 डिग्री होता है, तो आपको लेके कौन सा चलना है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ले लिया CH3CH2 नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में कौन यूज होगा हाइड्रोनियम, इस हाइड्रोनियम को मैं ऐसे लिख दूँ ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा है प्लस का चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हाइड्रोनियम है ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का चार्ज है, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या है अनस्टेबल है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन प्लस जो प्लस चार्ज को क्या कर सकता उसको सर्वाइव नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्या होती है ज्यादा होगी, इस वजह से ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ से हाइड्रोजन क्या होता है एच पॉजिटिव के रूप में रिलीज होगा। अब ये एच पॉजिटिव है ये किसके पास में जाएगा इसे नेगेटिव के पास में जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे गया तो फॉर्मेशन किसका हो गया CH3CH यहाँ पे प्लस टू ये CH2 और ये हाइड्रोजन इसके साथ में कंबाइन होकर फॉर्मेशन यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो रोल आता है वो रोल किसका आएगा H2 का गया, और देखो इस कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन क्या है लेस इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन देगा कौन तो यहाँ से H2O का क्या है ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इसको डोनेट करेगा, और जैसे यहाँ पे डोनेट करेगा इसके बाद में इस कार्बन के साथ में क्या किया इसने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में इसके ऊपर चार्ज कौन सा गया प्लस का चार्ज हो गया, ये यहाँ पे क्या है CH3, ठीक है। फिर से देखो कि ये ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कंपैरिजन हाइड्रोजन की क्या है ज्यादा है, और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को जैसे अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा CH3CH3, और यहाँ पे ये कन्वर्ट किस में हो गया एल्कोहल के अंदर, और यहाँ पे जो रिलीज क्या हो गया तो वो रिलीज हो गया एच पॉजिटिव गया, और ये एच पॉजिटिव वापस किसके पास में जाएगा H2O के पास में जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेशन किसका करेगा हाइड्रोनियम का फॉर्मेशन करेगा, और ये रिएक्शन वापस से ऐसे कैसे स्टार्ट हो जाएगी। तो आज हमने यहाँ तक डिस्कस किया, नेक्स्ट हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट मेथड्स की।